अगर आप सोना और ज्वेलरी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने सोने की ज्वेलरी खरीदने के नियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। दरअसल 31 मार्च 2023 के बाद बिना हॉलमार्क के ज्वेलरी मान्य नहीं होगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 31 मार्च के बाद हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन के बिना कोई भी सोने के गहने नहीं बेच पाएंगे। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने कहा है कि उपभोक्ताओं के बीच 4 डिजिट और 6 डिजिट हॉलमार्किंग को लेकर कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये अहम फैसला लिया गया है। नए नियम लागू होने के बाद 1 अप्रैल 2023 से सिर्फ 6 डिजिट वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होंगे। इसके बिना सोना और सोने की ज्वेलरी नहीं बिकेगी। बता दें कि सरकार ने सोने की हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने की शुरुआत करीब 1.5 साल पहले ही की थी। हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ज्वेलरी की शुद्धता की पहचान होती है। यह एक 6 डिजिट अंक का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। इससे माध्यम से कस्टमर्स को गोल्ड ज्वेलरी के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है और यह नंबर हर ज्वेलरी पर लगाया जाता है। इस कोड के जरिए धोखाधड़ी के मामलों में भी बहुत कमी आती है। गोल्ड की हॉलमार्किंग को लेके कुछ डिसीजन आया कि मार्च के बाद जो है विदाउट हॉलमार्किंग के प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, तो मार्च के 31 मार्च 2023 के बाद जो 4 डिजिट का HUID हॉलमार्क के रूप में यूज़ हो रहा था ज्वेलरी में, अब उसको बिक्री नहीं किया जा सकेगा। और जो 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है उसके साथ हॉलमार्किंग हॉलमार्क ज्वेलरी बेची जा सकती है।